हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स एंड रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हेयर पैक, जिसे मैं बनाने वाली हूँ मेयोनेज से। आप सभी मेयोनेज बहुत खाते होंगे, सभी को पसंद भी होता है, बट ये हमारे बालों के लिए भी इतना ही ज्यादा हेल्पफुल है, ये आप सभी को नहीं पता होगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 2 बड़े चम्मच मेयोनेज लिया है, जो हम खाने में यूज करते हैं ये वही मेयोनेज है। आप एगलेस या एग कोई सा भी मेयोनेज ले सकते हैं, दोनों ही इक्वली बेनिफिशियल होंगे हेयर्स के लिए। मेयोनेज में बहुत ही हाईली अमाउंट में प्रोटीन्स एंड विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से आपके बालों को स्ट्रेट बनाने में हेल्प करते हैं, आपके बालों की फ्रिजीनेस को भी दूर करते हैं और बहुत ही अच्छे से आपके बालों को शाइनी भी बना देते हैं। सेकेंड मैंने यहाँ पर लिया है ये लेमन। लेमन भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से ये कंडीशनिंग का काम करता है। आप इसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पर आप लेमन भी ऐड करेंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर थर्ड इंग्रेडिएंट ये दही लेने वाली हूँ। ये घर का बना हुआ फ्रेश दही है, आप चाहे तो इसे भी स्किप कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं ये 3 चीजों का मिक्सचर आपको बता रही हूँ। अगर आप ये तीनों चीजें मिक्स करके लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आप चाहे तो सिर्फ मेयोनेज को भी अपने बालों पर क्रीम की तरह अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये तीनों चीजें बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ। और मैं हमेशा घर का बना हुआ फ्रेश दही यूज करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये मेयोनेज लिया है और इसमें हम ये दही ऐड कर देंगे। तो ये 3 से 4 बड़े चम्मच दही है और मैंने इसे अच्छे से इसमें मिक्स करना है। तो मैं यहाँ इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद इसमें हम लेमन ऐड करेंगे। तो इसे मिक्स हमें अच्छे से करना है ताकि जो दही है वो मेयोनेज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये मिक्स होने के बाद बहुत ही ज्यादा क्रीमी हो जाएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए बहुत ही ज्यादा क्रीमी लग रहा है। तो बस इस तरह से हम इसे बनाकर अपने बालों पर अप्लाई करेंगे, जिस तरह से हम हेयर क्रीम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें लेमन जूस भी ऐड कर रही हूँ और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और बालों पर अच्छे से हेयर क्रीम की तरह इसे अप्लाई करने के बाद हम आधा घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे और उसके बाद अच्छे से शैम्पू से वॉश कर लेंगे। ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, तो आप इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छे और इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। 2 से 3 बार में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। मेयोनेज में बहुत ही हाईली अमाउंट में विटामिन्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपके बालों को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं, बालों को स्ट्रेट बनाते हैं और बालों में जो भी फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम होती है उसे भी दूर करते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर ये दही और इसमें लेमन भी ऐड किया है, जो आपके बालों को बहुत ही अच्छे से कंडीशन करते हैं और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट एंड शाइनी भी बनाते हैं। तो आप ये हेयर पैक जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये हेयर पैक कैसा लगा। और अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।